बारिश की भारी। अस्सलाम वालेकुम। इल्मे चिट्ठी पे मैं आपको दोबारा खुश आमदीद कहती हूँ। जितने भी लोगों ने हमारी लाइफ को ज्वाइन किया हुआ था, मैं उनसे एक दफा माजरत करना चाहूंगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी लाइफ फेसबुक से डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो हम इसको दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसे कि हमें मजीद ऑडियंस ने ज्वाइन किया, तो मैं उनको फिर बता दूँ हमारे साथ मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद है। जितने भी लोगों ने अपने सवाल पहले लिख किए थे, दोबारा प्लीज अपने कॉमेंट्स में सवाल लिख कर दे, मैं वो भी इंशाल्लाह ऐड करूंगी। तो सर, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, हम किस बारे में बात करते हैं, फिर हम उसको आगे वहीं से कॉन्टिन्यू करेंगे। वो पिछला सेक्शन आप ऐड कर दीजिएगा। इसके जी अंदर सर, हम मैं बात सारा कर ऐड रहे थे करूंगी। कि जिंदगी में मुश्किलात से कैसे सामना करना है। एंटरप्रेन्योर अगर आपने बनना है तो आपको पहले आइडिया पे काम करने से पहले मैंने एक पूरा कोर्स बनाया है एकेडमी के ऊपर बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप का। इसमें मैं सब में बड़ी चीज ये सिखाता हूं कि आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर मटेरियल बनाने के लिए अपने कैरेक्टर में क्या क्या तब्दीलियां लानी पड़ती। हर शोबे में ट्रेनिंग होती है। दुनिया का कोई शोबा बगैर ट्रेनिंग के नहीं होता। डॉक्टर बनने के लिए मेडिसिन की नॉलेज होती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है, हर चीज के लिए उसकी नॉलेज होती है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज से ज्यादा आपको अपने कैरेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान बिजनेस चलाता है। आइडिया 10 के पास आता है, एक सक्सेसफुल होता है। क्यों? कभी सोचा? क्योंकि उसको अपने नफ्स पे कंट्रोल था, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल था, उसको अपने ये चीज स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। 15 लाख लोग नुकसान कर रहे होते हैं, 1500 लोग अरबपति बन जाते हैं। किस लिए? कि उनके पास मेंटल डिसिप्लिन होता है नॉलेज के अलावा। तो ये कैरेक्टर बनाने के लिए हम बातें कर रहे थे। पिछला वाला आप सब जो भी है वो देख लीजिएगा तो आपको एहसास होगा। मुश्किलें, मैं जो आखिरी बात कह रहा था हमारा प्रोग्राम कटने से पहले, कि सब में ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों की, जिस घर में आप रह रहे हैं और उसी घर से आप बुराइयां निकालते रहेंगे तो आप कभी उस घर में खुश नहीं रह सकते। आपको वो घर छोड़, घर का मतलब मैं भी समझाता हूं, नहीं, घर का मतलब घर नहीं है। अगर आप उस घर से निकल के बेहतर घर में जाना चाह रहे हैं तो आप अपने गोल में बेहतर घर कौन सा है उसकी चीजें अपने जहन में डालें, बनिस्बत इसके कि इस घर में क्या क्या खराबी है। सब में पहले ये घर आपका दिमाग है। इसमें आप अगर नेगेटिविटी भरेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स की जगह ही नहीं आएगी, आप सिर्फ कंप्लेनिंग पर्सन बन जाएंगे, आपको हर चीज में बुराई नजर आएगी। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, कल सुबह से बच्चे निकले और काली गाड़ियां गिनना शुरू करते रोड पे, जिस शहर में भी आप रहते हैं, तीसरे दिन के बाद आपको सिर्फ काली गाड़ियां ही नजर आएंगी, क्योंकि आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है। उसके फौरन अगले दिन से कहेंगे मैं 5 दिन तक सिर्फ लाल गाड़ी, जो कि बहुत रेयर होगी हर शहर में, मैं लाल गाड़ियां गिनूंगा। आपको चंद दिन के बाद शायद काली की जितनी नहीं मगर आपको लाल गाड़ियां भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप उसके बाद ये कह दें मैं पीली गाड़ी ढूंढना शुरू कर दूंगा, शायद बहुत ही कम नजर आए। कहने का मकसद ये है कि आप जिस किस्म से अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहते हैं या चाहती हैं, आपका दिमाग वही चीज ढूंढ के आपको देता है। अगर आप अपने आप को सक्सेस के लिए ट्रेन करना चाहते हैं तो आप नेगेटिव चीजों से दूर रहें। अगर आप हर चीज में बुराई, यार मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है, अल्लाह ने मेरी किस्मत, एक तो हम मुसलमान हर चीज में अल्लाह को ले आते हैं। मैं एक छोटा सी मिसाल दूं, मेरा एक दोस्त था टर्की जा रहा था 5 साल पहले जब मैं कराची में रहता था, मेरे घर पे कोई डिनर था और मैं बार बार उसे कह रहा था ना जाओ यार, कोई बहुत ही करीबी खानदान का डिनर था और मेरे बचपन का दोस्त है, मैंने कहा आ जाओ। नहीं नहीं यार उस रात मुझे टर्की जाना है, एक रात के लिए तो आगे कर लो। नहीं 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 कर सकता। ठीक है जी, डिनर वाली रात 9:30 बजे मुझे फोन आया एकदम उसी का। मैंने भाई इस वक्त उसको फ्लाइट पे होना चाहिए था। मैंने फोन देखा, मैंने कहा हाँ बोलो, कितना चल रहा है डिनर? मैंने कहा आ रहा हूं। मैंने कहा गए नहीं, एकदम फ्लाइट मिस हो गई यार। फ्लाइट मिस हो गई यार, अल्लाह की यही मर्जी थी। है अच्छा, हम 7 साल की उम्र से दोस्त हैं।
अल्लाह की मर्जी थी। मैंने कहा तेरी फ्लाइट थी कितने बजे? बोला 9 बजे। मैंने कहा तू घर से कितने बजे निकला? बोला 7 बजे। मैंने कहा 2 घंटे पहले तो तुझे इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पे रहना था। क्लियर शराय पे फैसल पे ट्रैफिक आ गई। तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह की यही मर्जी थी। मैंने कहा हर चीज में अल्लाह को नहीं घसीटो भाई, अल्लाह नहीं चाहता था। अगर तुम 5 बजे निकल जाते तो भाई अल्लाह आपको फ्लाइट पे पहुंचा देता, आप उड़ रहे होते। हम पाकिस्तानी हर चीज को, अल्लाह कभी आपको फेलियर देखना ही नहीं चाहता, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो 70 माओं से ज्यादा आपको चाहता हो वो आपकी नाकामी कैसे देखेगा? नाकामी हम अपने ऊपर खुद लादते हैं, थोपते हैं। यहां से दुनिया के किसी रिलीजन में या लॉ में, दुनिया के किसी रिलीजन या लॉ में जब तक आप कोई क्राइम कमिट ना करें आपको सजा नहीं मिलती। आप किसी को अस्तग़फ़िरुल्लाह कत्ल करने का सोचें, जब तक आप कत्ल ना करें आपको सजा नहीं मिलती। आप चोरी करने का सोचें, चोरी ना करें आपको सजा नहीं मिलती। मगर दुनिया का सिर्फ एक वाहिद मजहब है जिसके अंदर सोच पे सजा है, और वो है इस्लाम। और वो सोच क्या है? मायूसी। मायूसी को अल्लाह ने कुफर करार दे दिया। किस लिए? कि एक मायूस इंसान अल्लाह की वहदानियत से मुनकिर हो जाता है। ये शिर्क से बड़ी चीज है। शिर्क में तो कहता है कि ये अल्लाह भी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और भगवान भी है, या कोई तीसरा भी है या चौथा भी है। एक मायूस इंसान कहता है मेरे तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो सकते क्योंकि कोई है ही नहीं मेरे सॉल्व प्रॉब्लम करने वाला। सिर्फ सोच के ऊपर अल्लाह ने इतना गुनाह करार दिया है, गुनाह कबीरा। तो आप बच्चे इस मायूसी से दूर हो। वो गाड़ियों वाली मिसाल याद रखे, पाकिस्तान में अच्छी चीजें ढूंढना शुरू करें, नजर आएंगी। अपने घर वालों में अच्छी चीजें ढूंढना शुरू करें, दरगुजर करें जो गलत है, नजर आएंगी। और आहिस्ता 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 चलकर आपका दिमाग इतना पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इस पॉजिटिविटी में जाने के लिए आपको नेगेटिविटी से दूर कर रहना पड़ेगा। आप कीचड़ में रह के अपने आप को पाकीजा नहीं रख सकते। सिंपल, सबसे पहले कीचड़ से दूर हो जाए। मैं टीवी नहीं देखता रात को, दिन को भी। मैं नेटफ्लिक्स देख रहा होता हूं, मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा होता हूं, मैं यूट्यूब पे जाके कुछ और, मैं टीवी नहीं देखता, इसलिए कि मुझे पता है सिवाय झगड़ों के मुझे कुछ नजर ही नहीं आएगा। दोस्त मेरी जिंदगी में मैंने एक उसूल बनाया था, ना मैं अमीर से दोस्ती, ना गरीब से दोस्ती, ना किसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त पॉजिटिव हो। दोस्त एलिवेटर की तरह होते हैं। एलिवेटर सिर्फ दो डायरेक्शन में जाता है बेटा, या ऊपर लेके जाता है आपको, या नीचे लेकर आता है। अगर एलिवेटर आपके दोस्तों के साथ आपको जिंदगी में नीचे लेकर आ रहा है ना, स्टॉप द प्रेस द स्टॉप बटन, गेट ऑफ द डैम एलिवेटर। आपके दोस्त आपको जिंदगी में ऊपर लेके जाते हैं। बेहतर है कोई दोस्ती ना हो, किताबों से दोस्ती करें। आप किताबों से दोस्ती करें, आप डॉक्यूमेंट्रीज से दोस्ती करें, आप इल्म बढ़ाने से दोस्ती करें, पॉजिटिव चीजों से। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, मैं बैठ के नेचर के चैनल्स देखने लगता हूं। नेचर, ये बहुत कम लोगों को पता है, मेरी वाइफ को पता है, मेरे बच्चों को पता है, मैं नेचर के चैनल देखने लगता हूं। ईगल पूरी डॉक्यूमेंट्री देख ली ईगल की लाइफ के ऊपर। वो थोड़े से यार कुछ नहीं हुआ, कम से कम ये तो नहीं पता चला ना कि पीपल्स पार्टी पीटीआई से लड़ रही है, पीटीआई पीएमएलएन से लड़ रही है, वो उससे लड़ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लड़ो यार। अल्लाह आप सबको हिदायत दे। नेगेटिव दोस्तों के साथ क्यों बैठूं? जो बैठते साथ बोले यार आजकल हालात कितने खराब है, खुदकुशी कर लो भाई, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तूब इलैह। रोज आके कोई ये कहे आपसे यार कितने हालात खराब है, कहां से खराब है भाई। यही दोस्त मेरा जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, ही इज वेरी रिच, वेरी वेरी रिच इन पाकिस्तान। वो फैक्ट्रीज है वालिद की, दादा की। मजेदार चीज है, टर्की से वापस आया था एक दिन, वो टर्की में बहुत जाता हुआ बिजनेस है। कहने लगा यार अली आ जा, मैं आ गया हूं। मैंने कहा ठीक है बस आ रहा हूं, कहां है तू? मैंने कहा मैं
मॉल से निकला हूं, मैंने कहा मैं रास्ते में रुकता हूँ घर पे। अच्छा, कुछ 6,000 गज का घर है इसका, 12 कैनाल जिसे पंजाब में कहते हैं, 70-60 करोड़ रुपए का तो घर होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट हाउसेस इन कराची डिफेंस। 20-25 करोड़ की गाड़ियां होंगी रखी हुई सामने, S500 ये वो, ह्यूज घर, 18.5 गार्ड होंगे। 18.5 मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसके पास बहुत गार्ड होना मुझे ऐसे आने लगती है। मैं बैठा जाके, वो बहुत बड़ी स्टेज है, वहां से उतरते हुए आ रहा था और मुझे कहता है हाथ ऐसे चौड़े करके उतरते हुए, यार अली इस मुल्क के हालात कब सही होंगे। और मैंने कहा भाई तेरे लिए इससे अच्छे हालात और क्या हो सकते हैं, बिल्कुल सही, 50 करोड़ के घर में रह रहा है, 20-25 करोड़ की गाड़ियां हैं, 18.5 गार्ड है तेरे पास, फर्स्ट क्लास में तू ट्रैवल करता है, जो तूने बनाया है इसी मुल्क से बनाया है, जो तेरे वालिद ने बनाया है इसी मुल्क से बनाया है, आप अच्छी चीजें ढूंढे ना और उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करें। मैं माशरे को नहीं बदल सकता, मगर मैं ऐसे प्रोग्राम्स आपके साथ करके, मैं 8 साल से हर यूनिवर्सिटी पे अपने खर्चे पे जाता हूँ, मैंने एक पैसा कभी जिंदगी में अपनी स्पीच का नहीं लिया, मैं टिकट भी खुद ही खरीद के जाता हूँ, होटल में भी खुद ही रहता हूँ, 100 से मैं स्पीचेस दे चुका हूँ यूनिवर्सिटीज में, कराची से पेशावर गया हूँ, गिलगित गया हूँ, बलोचिस्तान गया हूँ, किस लिए? कि अगर मैं 100-100 200-200 बच्चे जो अब हजारों में तब्दील हो गए उनसे जाके एक पॉजिटिविटी का मैसेज दे दूंगा तो शायद पाकिस्तान की बेहतरी में मैंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया। बिल्कुल। बस सर पहले भी मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे लेकिन डिस्कनेक्ट की वजह से वो सारे लॉस्ट हो गए थे। दोबारा सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं चाहूंगी ऑडियंस के सवाल ऐड करूं ताकि उनको इस बात का गिला ना रह जाए कि उनका कोई सवाल रह गया। जी सर, सबसे पहले अली खोकर का मैं सवाल डालूंगी। वो कह रहे हैं कि सर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लीज पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए टिप्स दें। अच्छा, तुम्हीं तुम्हीं पर्सनैलिटी, आई हैव एन अमेरिकन डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ब्रिटिश डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज यूजली ड्रेसिंग अप, अमेरिकन डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज यूजली योर किरदार। दोनों के लिए मैं मिक्स करके ये कहता हूँ, यार सब में पहले मुस्कुराना शुरू करो, सब में पहले मुस्कुराने की आदत डालो, पागल बन जाओ मुस्कुराते रहो, गाड़ी भी चलाओ मुस्कुराओ। ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, मैं कोई चीज सोच के गाड़ी चलाते हुए हंस रहा था, मैंने ऐसी कनखियों से देखा, मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं, मैं बहुत कम गाड़ी चलाता था न्यूयॉर्क में, एक दफा मैं गया, मैं कहीं जाना था, मुझे कोई बात याद आई और मैं गाड़ी चला रहा था, ट्रैफिक लाइट में हम खड़े हुए थे, एंड आई वाज इन अ कन्वर्टेबल, तो मैं हंसने लगा ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मैं हंसने लगा, तो फिर ऐसे मैंने कनखियों से देखा, बराबर एक खातून गाड़ी में बैठी जो मुझे ऐसे देख रही थी, मुझे पता है वो क्या सोच रही होंगी, ये कौन पागल है, क्योंकि उसमें मैंने ऐसे कहती उसकी तरह हंस के मैंने आई किया कि आप अच्छी बातें याद आती। देखिए इंसान जो है ना, आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो बहुत साल पहले, आप बहुत रोई हो उस चीज के ऊपर, मैं अभी आपसे कहूं, मैं कहूं इकरा बेटा जरा उस वाकये को याद करके रो के दिखाओ, आप मुस्कुराने लगेंगे। मैं रिश्तों के टूटने की बात नहीं कर रहा, लोगों के वफात की बात नहीं कर रहा, जिस पे हम जिंदगी भर रंजीदा होते रहे, कोई चीज हुई, आप फर्ज कीजिए आपको चोट लगी, हड्डी टूट गई, आप रो रही थी बैठी भी, अस्तगफुरुल्लाह, और बहुत बुरा लगा, आज 10 साल के बाद मेरे को बेटा हड्डी टूटी थी, मेरी बहुत टूटी है, अब जरा कितना दर्द हुआ होगा ना, रो के दिखाओ, आप बोलिए है, आप हंस पड़ी ना। और यही चीज मैं आपसे कहूं बेटा, कोई मजाहिया चीज थी, आपके दोस्तों के साथ हुई होगी, आप उसके ऊपर 70 दफा हंसती रहेंगी जिंदगी में, जब याद आएगा, जब दोस्तों से मिलेंगी उसका जिक्र करेंगी और सब मिलकर हंसेंगे, क्या हो गया तो पागल। इसका मकसद क्या है? अल्लाह ने इंसान की गुट्ठी में खुश रहना डाला हुआ है, शैतान आकर हमें ऐसी की तैसी कर देता है। एनीवे, तो सब में पहले इनके जवाब दे दो, मुस्कुराना शुरू करें, ह्यूमिलिटी लेकर आए, कभी किसी अमीर से इंप्रेस ना हो, उसके इल्म से इंप्रेस हो, किसी रुतबे से इंप्रेस ना हो, उसके किरदार से हो, वो कैसे
गरीबों को ट्रीट करता है, कभी ये नहीं देखना वो कैसे अपने से ज्यादा पावरफुल को ट्रीट करता है, वो कैसे आम आदमी को ट्रीट करता है, उसी तरह बनना शुरू हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, उसमें से तीन या चार चीजें ले लें। मैंने इस सब में बड़ी चीज जो ली है वो नॉन कंप्लेनिंग चीज, कि उन्होंने कभी जिंदगी में कंप्लेन ही नहीं की। मैंने सारे आयम्मा जो है, अहले बैत जो है, उनकी जिंदगी से थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैंने सिर्फ यही सीखा है, उन पे भी मुसीबतें आई, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। करबला हो गया, कभी कंप्लेन नहीं हुई, इससे ज्यादा और क्या कंप्लेन करने का मौका था। तो जहां सिंपल सी बात है, कंप्लेन ना करें, मुस्कुराएं। आपकी जो जहन है ना, वो आपके चेहरे पे आपके किरदार की अक्कासी करने लगता है चंद सालों के बाद। अगर आप यहां से खुश रहना शुरू होंगे ना, आपका चेहरा भी रिलैक्स होगा, पर्सनालिटी भी बेहतर होती जाएगी। तो मौज़म, ये मौज़म का सवाल है, मौज़म नोज़ मी फॉर मेनी इयर्स, इज लाइक माय ब्रदर, इज लाइक माय ब्रदर, जी सर, ये मौज़म एप्रिसिएशन हिमसेल्फ। कमेंट था चले, जी सर, वो उनका ये एप्रिसिएशन बहुत था। आगे मैं अवैस यकूब का सवाल ऐड करना चाहूंगी, गोल्स अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पॉजिटिविटी बगैर सोचे मैंने कह दिया ना, अभी एक सेकंड के लिए भी मैं नहीं रुका सोचने के लिए। पॉजिटिविटी, सर सैफ पूछ रहे हैं, पॉजिटिविटी हाउ आई इज, कैन, बिल्कुल व्हाट डू यू वांट टू इंप्रूव सैफ, व्हाट डू यू वांट टू इंप्रूव, आई मीन हाउ कैन आई इंप्रूव माय सेल्फ, इट्स अ वेरी वेरी वाइड क्वेश्चन। How do you want to improve yourself physically? How do you want to improve yourself mentally? How do you want to improve yourself as an employee? How do you want to improve yourself as an entrepreneur? Ilm, पढ़ें, self-improvement की किताबें पढ़ें, सब में पहले, बगैर स्पेसिफिक सवाल लिए मैं कह रहा हूँ, self-improvement की किताबें पढ़ें। ठीक है सैफ, अगर आप कुछ और इसको इम्प्रोवाइज करके स्पेसिफिक होकर पूछना चाहते हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं जाहिदा बानो का सवाल ऐड करूंगी, कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करना चाहिए? जाहिदा बेटा, सब में बड़ी चीज ये है कि शायद आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस करते हैं अपने साथ। 99% ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल, क्योंकि न्यू ईयर जब आने लगता है ना, तो 31 दिसंबर को हम ऐसे पहाड़ वाले वादे कर लेते हैं अपने साथ, 27 साल से सिगरेट पी रहा हूं, 11:59 पे आज छोड़ दूंगा। वाह भाई वाह, आज तू इतना बड़ा तो रम खान बन गया। मतलब बेवकूफी की चीजें हम अपने आप से वादा कर लेते हैं। 10 साल का बच्चा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वो अपने आप से वादा कर ले, मैं 14 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। आप बोले हो भाई, पहले 40 साल की उम्र तो कर ले अपनी, वो किरदार पैदा कर अगले 26 साल तक, कि जब तू 40 साल का हो तो प्रेसिडेंट बन सके। छोटे छोटे वादे करें अपने आप से, उनको पूरा करें, अपने माइंड को ट्रेन करें। आप पहले, आप अगर रनर बनना चाहते हैं, तो अगर एक बेवकूफ इंसान पहले दिन 15 किलोमीटर भागेगा, शायद हार्ट अटैक होके मरी जाएगा। एक अकलमंद इंसान पहले दिन 1/2 किलोमीटर भागेगा और 5 दिन तक 1/2 किलोमीटर ही भागेगा, उसके बाद 1 किलोमीटर भागेगा 1 हफ्ते तक। छोटी छोटी चीजों से दिमाग ट्रेन होता है। 40 दिन के लिए करें जो छोटी चीज कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट के योर न्यूरॉन्स, वी हैव बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, न्यूरॉन्स गेट कनेक्टेड बेस्ड ऑन योर हैबिट्स। हर चीज की हैबिट बनती है, झूठ बोलने की भी हैबिट बनती है, सिगरेट पीने की भी हैबिट बनती है, ज्यादा खाने की भी हैबिट बनती है, जो एक मुद्दत पे मबनी होती है। आप उसको एक दिन में नहीं तोड़ सकते। आपको अच्छी चीजें बनानी है, मुस्कुराना हो, छोटी छोटी चीजों पे मुस्कुराना शुरू करें, छोटे छोटे वादे करें, उसको पूरे करें, फिर उससे बड़ा वादा करें, फिर उसको पूरा करें अपने आप से, फिर उससे बड़ा वादा करें। ये जाहिद बानों के लिए था। ब्रेन फ्रेश करने के लिए कोई टिप्स है भाई? यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं, ब्रेन को फ्रेश करने के लिए क्या ब्रेन रखना से चाहिए? ज्यादा फ्रेश चीज तो कोई है ही नहीं। ब्रेन को फ्रेश ना रखने के लिए क्या चीज है वो मैं बता। ब्रेन तो फ्रेश चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश किसको कहा जाता है? जिस चीज को आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। पॉजिटिविटी लेकर आए अपने अंदर, नेगेटिविटी
अपने जहनों से मायूसी की चीजें निकालें, अच्छी चीजें करें, वो फ्रेश हो जाएगा दिमाग। हाउ कैन आई रिलीज द स्ट्रेस? एक्सरसाइज। सर ये सुहेल, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर वन। योर फिजिकल स्ट्रेन इज रिलेटेड 78% टू योर मेंटल स्ट्रेन। योर फिजिकल स्ट्रेन, आप लेट के पबजी गेम खेल रहे हैं ना, तो आपका ब्रेन रिलीज नहीं हो रहा है। जाए वॉक करें, स्विमिंग करें, जो चीज आपको अच्छी लगती है। मुझे नेचर अच्छा लगता है, मैं नेचर के चैनल्स देखने लगता हूँ। लिटरली मैं फॉरेस्ट की चीजें देखने लगता हूँ। मुझे माउंटेन्स पसंद आते हैं। अगर मैं माउंटेन नहीं जा सकता तो व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग? कोरोना में वरना मैं हर महीने 1.5 महीने में मैं पहाड़ों में जाता हूँ, 4 दिन के लिए, बिल्कुल 3 दिन के लिए मैं नहीं जा सका हूँ इतने महीनों से। सो आई वॉच नेचर चैनल्स, माउंटेन्स की। व्हाट बिल्कुल इज पर्सनल फाइनेंस? जी सर ये यस, मोहम्मद बिल्कुल दिस वीक मोहम्मद उमर नोमान, वी आर लॉन्चिंग वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल फाइनेंस कोर्स। तुमने सवाल कर लिया तो मैं बता रहा हूं, हाउ टू मास्टर योर पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंसेस। ये बहुत ही जबरदस्त है, रेडी है। 4 कोर्सेज रेडी हैं जो इस हफ्ते या अगले हफ्ते से हम करेंगे। सर इनका एक और सवाल है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एसेट टू हैव व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ नेगोशिएशन? कंट्रोल ऑन योर नर्व्स, कंट्रोल ऑन योर नर्व्स, कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, रिमेनिंग काम व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू इरिटेट यू। द बेस्ट गोल ऑफ द अदर पार्टी इन अ नेगोशिएशन इज टू थ्रो यू ऑफ गार्ड बाय सेइंग समथिंग दैट विल मेक यू एंग्री। स्माइल, रिमेन, लेट हिम से इट। आप किसी के पास, आपको, आप जंग पे जाएं, आपके पास तोप है, आपके पास बंदूक, पास पिस्तल भी है, आपके पास खंजर भी है, आपके पास हाथ भी है थप्पड़ मारने के लिए। आप सब में पहले तोप लेके जाएंगे या आप सब में पहले खामोशी से देखेंगे कि मेरे दुश्मन के पास है कौन सा हथियार? उसके पास खंजर है और आप तोप का गोला मार रहे हैं। क्यों वेस्ट कर रहे हैं भाई अपना तोप का गोला? बिल्कुल आप उसके खंजर को पिस्तौल से लड़ सकते हैं। सब में पहले अगले को नेगोशिएशन में बोलने दो। सब में बड़ा प्रॉब्लम नेगोशिएशन में क्या होता है, हम जाके पहले से बोलने लगते हैं, यू नो आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट मे बी ही वॉज गोना गिव इट टू यू ऑलरेडी। व्हाट डू यू वॉन्ट? सिंपली आस्क, बिल्कुल हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस? व्हाट, हाउ कैन वी कम टू अ कॉमन ग्राउंड? सवाल करें और चुप करके सुने। लेट हिम एग्जॉस्ट हिज थॉट्स। तो सर ये हाउ जो मच नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्किंग इज बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर आप बिजनेस ग्रोथ? वेरी इंपॉर्टेंट, मगर नेटवर्किंग को पाकिस्तान में इज नॉट वर्किंग। नेटवर्किंग ये नहीं होती कि हर जगह गए और कार्ड निकाल के देना, ये सर मैं ये करता हूं। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। यू नो पीपल who are successful get irritated when people come and keep cards. Come talk to me. Come talk to me. Start a conversation with me. Ask me some question that can benefit you. Let do something, say something that will make me remember you. What is this giving cards? यहाँ पाकिस्तान में हर कोई जाके 40 कार्ड बांट रहा होता है हर पार्टी में। ओ भाई मेरे पास कोई 70,000 कार्ड होंगे, मजाकन कह रहा हूं, जिसको मैंने जिंदगी में पढ़ा तक नहीं है। उन्होंने दिया, मैंने पोलाइटली जेब में रखा, बाद में लाके मैंने ड्रॉअर में डाल दिया। मुझे वो याद होगा जो कोई आके बिजनेस में कर, ये तो अब मेरी एज की वजह से यंग बच्चे आते हैं, मगर व्हेन आई वाज द सेम एज एज अदर पीपल, समबडी वुड कम अप टू मी, हाउ आर यू? गुड। व्हाट डू यू डू? ओ आई वर्क ऑन वॉल स्ट्रीट। व्हाट डू यू डू? आई वर्क इन लंदन। व्हाट डू यू डू? अब कॉन्वर्सेशन शुरू करें यार, दैट इज नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग ये नहीं है कि आप जहन में ये लेके जाएं से इससे कुछ निकालना है। मैंने, मेरा आईटी का बिजनेस है तो मैं कोई कनेक्शन बना के आऊंगा कि ये मुझसे 1 करोड़ रुपए का बिजनेस मुझे दे देगा, भी होगा ही नहीं ऐसा। दैट्स सेल्फिशनेस। मेक फ्रेंड्स, लव ह्यूमन बींग्स, गेट टू नो देम। देर इज नो फिलोसफी ऑफ लाइफ इरा मुगल, देर इज नो फिलोसफी ऑफ लाइफ। आप यंग बच्चों को पागल बनाया जाता है ये कह कह के
कि देर इज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ. वॉट इज फिलोसफी ऑफ लाइफ? वी आर मुस्लिम एंड इस्लाम टेल्स अस टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. गलतियां करें, रिपीट ना करें. मैंने इतनी गलतियां की हैं जिंदगी में, इतनी गलतियां की हैं मैंने जिंदगी में, मगर मेरी कोशिश, और बहुत सी गलतियों को मैंने रिपीट किया है, मेरी कोशिश ये होती है कि उस जिंदगी की जो गलतियां हैं उसको मैं रिपीट ना करूं. और दूसरी एक चीज, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अजीब सा फलसफा बन चुका है कि जो एक सादा सी बात को पेचीदा तरीके से बनाकर पेश करे उसको हम जहीन मानने लगते हैं. क्या गहरी बात, क्या गहरी बात की है. ओ भाई, बेवकूफ है वो, गहरी बात नहीं करना, पेचीदा बात करना बेवकूफी है. दुनिया के, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, आई हैव रेड ऑलमोस्ट 60% ऑफ फिलोसफर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज माई पैशन. दुनिया का कोई फिलोसफर ऐसा नहीं गुजरा है जिसने पेचीदा बात लेकर उसको सादा तरीके से ना समझाया. जो पेचीदा बात लेके सादा तरीके से समझा दे वो है फलसफी. जो सादा सी चीज लेके अल्फाज की बंदिश में पेचीदा तरीके से समझा दे वो कहां से फलसफी हो गया यार. जिसने अपने जहन में एक पेचीदा मसले को पहले ही से नहीं हल किया हुआ है और वो पेश भी पेचीदा तरीके से कर रहा है, तो मतलब उसके पास हल है ही नहीं. और हम उससे इंप्रेस हो जाते हैं, हम लफाजी से इंप्रेस हो जाते हैं, लफाजी से. हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आमिर. यस, समटाइम्स आई इवन वंडर, आई स्लीप वेरी लिटिल बेटा. आई स्लीप 4-5 आवर्स एट द मोस्ट एंड हैप्पीली, आई एम नॉट कंप्लेनिंग. मैं ज्यादा सो सकता हूँ. आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग एवरी नाइट. आई रीड, माई सोशल मीडिया आई हैंडल. टाइम होता है ना, आपको टाइम है, आपका कमिटमेंट है, आप तजाद ना करें. 6 बजे मेरा इकरा के साथ कमिटमेंट था. मैं 6:56 या 57 मिनट पे मैं इकरा से कनेक्टेड था. मुझे पता था इस वक्त मेरे दोस्त बैठे हैं मेरे सामने यहाँ पर, ये मेरी मीटिंग में मुझसे मिलने आए हैं, ये मेरे साथ बैठे हैं सामने. मैंने कहा यार, अब हम बैठे बात कर रहे थे, मैंने कहा एक सेशन 1 घंटे का वो मैं कर लूं. आपकी कमिटमेंट है, टाइम मैनेजमेंट इज सिंपल, इट्स नॉट, सबके पास 24 घंटे हैं यार. आप अल्लाह से दुआ करके उसको 25 नहीं कर सकते. जी सर, नेक्स्ट सवाल है. नेगोशिएट सैफुल्लाह, आई डोंट हैव मच टू नेगोशिएट, बट यस, नेगोशिएशन, यू नेगोशिएट एवरीथिंग इन लाइफ, एवरीथिंग इज नेगोशिएटेड. जब आप पहली दफा अपनी माँ से 2 रुपए मांगने गए होंगे ना, मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूं, अब तो आप लोग शायद 2000 रुपए मांगते हैं माँ से. मैं पहली दफा कोई बच्चा 10 रुपए मांगने माँ से गया हो ना, ही इज नेगोशिएटिंग सिंपली. माँ 10 रुपए दे दें, किस लिए, ये करना है, नहीं इसके लिए नहीं दूंगी, माँ दे दे. अब उस नेगोशिएशन में थोड़ी इमोशनल ब्लैकमेलिंग आ जाती है. माँ मैं आपका बेटा हूं, मेरे अच्छे ग्रेड्स आए हैं, मैं तो आप, मैं तो टाइम पे सो जाता हूँ, मैं सुबह स्कूल के लिए तंग भी नहीं करता, मुझे दिया ये ले बेटा. नेगोशिएशन इज एवरीथिंग इन लाइफ, यू आर नेगोशिएटिंग विद एवरीथिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. बिल्कुल. एक और सवाल मैंने ऐड किया है उमर नुमान का. दोबारा नुमान आए? अच्छा जी, थैंक यू. काफी सवाल आ रहे थे. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऑफकोर्स नेगोशिएशन. सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट. इज इट अ कॉन्फ्लिक्ट यू आर क्रिएटिंग इन योर हेड बिकॉज यू डोंट लाइक द अदर पर्सन ओपिनियन, और इज इट अ रियल कॉन्फ्लिक्ट? आर यू ट्राइंग टू रिजोल्व इट विद अ पर्सन हु इज रीजनेबली रेडी टू रिजोल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, और यू आर ट्राइंग टू रिजोल्व अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ पर्सन हु हैज एन ईगो? सब में पहले डिसाइड करें कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको छोड़ दिया जाए या रिजॉल्व किया जाए. हर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं किया जाता, सिंपल. कोई ये समझता है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं, सो समझ लो यार, अल्लाह आपको खुश रखे. इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट. आई डोंट लाइक व्हाट यू आर सेइंग, बट मैं आपसे बदतमीजी तो नहीं करूंगा. ऐसे ऐसे ट्विटर पे कॉमेंट आते हैं दूसरे लोगों के, मेरे ट्विटर पे क्यों नहीं आते? पहले दिन से मैंने सबको तमीज से ट्रीट करना शुरू किया.
दे डिसएग्री विथ मी, आई लाइक इट। आप तमीज से डिसएग्री करें मेरे साथ, बखुदा मैं सवाल का जवाब दूंगा, आप गाली देंगे, मैं ब्लॉक, मैं एक दफा आपको कहूंगा बेटा ना करो, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं कर रहा, आपको मेरी बात कोई पसंद नहीं आई है, तो प्लीज एयर योर डिसएग्रीमेंट से, सर आई हेट व्हाट यू आर सेइंग, ओके वंडरफुल, व्हाई डू यू हेट इट, आई क्रिएट अ डिबेट, या मैं सीख के जाऊंगा आपसे या आप मुझसे सीख के जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जी सर, हम ना कयानी का सवाल है। The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. This book has played the most important role in my life. ये बुक मैं तकरीबन 30 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरे पास कोई 2,500 किताबें हैं टोटल, जिसमें से मैं कोई 1,800 पढ़ चुका हूँ, मैं जमा कर लेता हूँ पहले 30 साल में। मगर ये बुक मैंने कोई 250-300 दफा पढ़ी होगी जिंदगी में, छोटी सी है, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पहली दफा आपके समझ में नहीं आएगी, बहुत अच्छी लगेगी, सर के ऊपर से गुजरेगी। दूसरी दफा थोड़ी समझ आएगी, यहां टच होगी, सर के ऊपर से नहीं गुजरेगी। तीसरी दफा आप उसको आपके सांस में बसने लगेगी। मैं 250-250 दफा इसको पढ़ चुका हूं, अब जाके मुझे समझ आती है कि अगर जिंदगी की पहली बुक मुझे ये मिलती होती तो कितने बेहतरीन होता मेरे। सर मैं आखिर के दो सवाल ऐड करना चाहूंगी, फिर अगर तो फिर हमें इसको वाइंड अप करना है, कि आखिरी दो सवाल हैं। पहला सवाल मैं डालूंगी अली इमरान साहब का। Why do I want support from negative people? बिल्कुल। Why would I want support from negative people? Ha, sometimes in your family there are people who are negative. बिल्कुल। जी सर आपको मेरी आवाज आ I रही है have आपकी no आवाज। reason to ask them to support me. I have no reason to ask them to support me. मगर जो घर में नेगेटिव है मैं उनसे बैठ के बात करूंगा कि भाई कोई चीज होगी ना, आप चाह रहे हैं डॉक्टर बनना, आप सफीउल्ला में आ रहा हूं आपके जवाब पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं उनसे बैठ के बात करूंगा और बात करते, और मैं पहली दफा एक्सपेक्ट नहीं, हमारी सब में बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जाते हैं तो हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को ढूंढते हैं कि मैं अगर एक घंटा बैठ के मैंने बात की है तो इसका तो इसको तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। नहीं, फैमिली के साथ रेजोल्यूशन आहिस्ता 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 बातों से होता है। सफीउल्लाह वसीउल्लाह, व्हाट इज माय विजन ऑफ एकेडमी बेटा, ये आज आपको एकेडमी ऑनलाइन हर जगह नजर आ रही है, कोरोना वायरस के बाद सारी दुनिया को ये पता चल गया। आज से 17 महीने पहले जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो लोग हंसते थे पाकिस्तान में मेरे ऊपर, क्या आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। मेरा एक गोल था पाकिस्तान के छोटे छोटे शहर में क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, सफीउल्लाह से है मेरे ख्याल में, तो दुनिया के बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल कोर्सेज, ये जो चीज जिससे उनकी जिंदगी में बेहतरी आए, इट इज यूनिवर्सिटी द ओनली यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड शॉर्ट कोर्सेज वी हैव, वी आर एडिंग मोर कोर्सेज। The goal is to middle class के जो बच्चे हैं सब में ज्यादा, और जो 85-90% है उस मुल्क के अंदर, ये मुंह टेढ़ा कर करके अंग्रेजी में सिखाने वाले कोर्स हम नहीं बना रहे, ये हम एलीट लोगों के लिए नहीं बना रहे। हम आपको एलीट बनना है, 2,50,000 रुपए का कोर्स लेना है, आप जाइए अल्लाह आपको खुश रखे। हम तो इतने प्राइसेस को नीचे ले आए हैं अच्छे कोर्सेज की कि एक आम बच्चा खुशी से करे, उसको लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिले और वो जॉब में जिंदगी में हर चीज में बेहतरी लेकर आ सके। मैं चाहूंगी सर आप इस लास्ट सवाल का जवाब दे दें ताकि मैं इसको वाइंड अप करूं, कि बहुत सारे सवाल हैं, सारे तो ऐड करना नामुमकिन हो जाएगा। रफीक, द मोस्ट कॉमन थिंग आई हैव सीन, आई हैव बीन टू 64 कंट्रीज, आई हैव लिव्ड इन 5 कंट्रीज, आई हैव मेट ऑलमोस्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू बिल गेट्स टू
यू नेम इट, छोड़ो दफा करो, एक चीज मैंने सब में ढूंढी है, क्या है वो राज जो ये लोग सक्सेसफुल हुए, चाहे वो ईदी साहब हो, चाहे वो रूथ फाव हो, जिनके साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है, बहुत टाइम गुजारा है, चाहे वो कोई हो, उन सब में एक चीज थी, पॉजिटिविटी। वो कभी मायूस नहीं होने, बड़े से बड़ा पहाड़ गिर जाए वो मुस्कुरा के कहते थे इसको सॉल्व कर लेंगे, और हम तो मुसलमान हैं, हम तो ये कह सकते हैं अल्लाह हमारे साथ है, यकीनन इसमें कोई बेहतरी होगी, सॉल्व कर लेंगे। कंप्लेन करने वाले को अल्लाह सब में ज्यादा नाशुक्रे लोगों को नापसंद करता है, सब में ज्यादा कुरान में बार बार जो जिक्र आया है वो अल्लाह जिनसे तंग है वो नाशुक्रे है, शुक्र करें हर हाल में। इसका मतलब ये नहीं है कि ढीले पड़ के बैठ जाए, या अल्लाह तेरे शुक्र, नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र मुझ में हिम्मत दे, मुझ में हिम्मत दे कि इसको मैं बेहतर करूं, बस। तो सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव के प्लेटफॉर्म पे आए, हमारी कॉन्वर्सेशन से ज्यादा आपकी ऑडियंस से ज्यादा कनेक्टिविटी रही है, उसके लिए बहुत शुक्रिया कि आपने ऑडियंस के हर बंदे को सवाल का जवाब दिया है। तो सर इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी आप दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव के प्लेटफॉर्म पर जरूर आए, हमें अपनी जितनी भी आपका इल्म है उससे मुस्तफीद होने का दोबारा मौका दें। जी तो इस सेशन को वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं, आप लोगों के लिए जो पहला सेशन था जिससे पहले का पार्ट है वो भी इंशाल्लाह मेरी सिटी पे पोस्ट कर देंगे, आप उसको भी जाकर इंशाल्लाह, देखें। थैंक यू इकरा, पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप सब बच्चे खुश रहें। जी बहुत शुक्रिया सर। तो अगर आपने सेशन से कुछ भी सीखा तो प्लीज इसे आगे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे कुछ सीख सकें। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इल्मी सिटी से सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नए लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए इल्मी सिटी, और अपनी मेजबान इजाजत को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।